स्वागत है सबसे पहली अपडेट है मध्य प्रदेश शासन की तरफ से स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से प्राथमिक शिक्षक के लिए जो संयुक्त पात्रता परीक्षा होती है जिसको हम एम पी टेट कह सकते हैं वो कार्यक्रम जारी हो गया है कब से आवेदन होंगे तो एक अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट होंगे और पंद्रह अक्टूबर तक चलेंगे साथ ही ऑनलाइन के संदर्भ में यह भी बताया गया है आवेदन में कि संशोधन अगर आप करना चाहते हैं तो 20 दस 2024 यानी 20 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा एग्जाम डेट क्या रखी गई है तो संभावित शब्द यूज किया गया है 10 नवंबर 2024 से प्रारंभ परीक्षा की जो पाली है वो दो पालियों हो में होगा सात से आठ बजे रिपोर्टिंग टाइम है और साढ़े बारह से डेढ़ बजे का रिपोर्टिंग टाइम है और उत्तर अंकित का समय तो नौ से डेढ़ बजे ढाई घंटे का पेपर होगा ढाई से पांच बजे दूसरा शिफ्ट का पेपर प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त जो पात्रता परीक्षा है इसकी जो वैधता होगी वो आजीवन रहेगी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दो जार... बीस में पात्र भर्तियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग के द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी पात्रता परीक्षा में जो भी अहर पाए जाएंगे उनको शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित जो है वो होना होगा नियुक्ति के लिए विज्ञापन और प्रक्रिया राज्य शासन के आदेश के द्वारा होगी परीक्षा शहर बालाघाट भोपाल ग्वालियर इंदौर जबलपुर खंडवा नीमच रतलाम रीवा सागर सतना सीधी और उज्जैन केवल इनको ही बनाया जाएगा आवेदन भरने के लिए आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है अभी आवेदन वैसे स्टार्ट नहीं हुए तो थोड़े समय बाद ही चेक करिएगा वेबसाइट जो है इस पर आवेदन पत्र आप भर सकते हैं ई एस बी डॉट एम पी डॉट जीओवी डॉट इन अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क को लेकर तो जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो सभी पांच सौ रुपए शुल्क के साथ आवेदन कर पाएंगे और जो मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थी अभ्यर्थियों सब अनरिजर्व कैटेगरी में ही आएंगे केवल मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं और रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं उनके लिए ढाई सौ रुपए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क है साठ रुपए और अतिरिक्त रजिस्टर जो सिटीजन यूजर है उनके माध्यम से लॉग करके फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क बीस है अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है इस बात को ध्यान दीजिएगा साथ ही मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा कोई भी इनमें से आप ला सकते हैं अभ्यर्थी को नियम पुस्तक में विनिश्चित, मूल परिचय पत्र के अलावा अपना आधार कार्ड ई आधार कार्ड की छाया प्रति आधार नंबर आधार बी की जानकारी लाना अनिवार्य होगा परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक वगैरह जो है वो होगी जिन अभ्यर्थियों का नंबर आधार नंबर लॉक है वो परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थित उपस्थिति के पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी इसके पश्चात विलंब से आने पर अभ्यर्थियों की प्रवेश की पात्रता नहीं होगी परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि मोबाइल फोन कैलकुलेटर टेबल्स डिजिटल लॉक नकल पर्चा सन ग्लासेस आदि का उपयोग पूरी तरीके से वर्जित है ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु तो अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं परीक्षा केंद्र पर आवेदक जो है उनका काला बॉल पॉइंट पेन जो है वो लाना होगा और एडमिट कार्ड तो लाना ही होगा बाकी तो ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है लास्ट में एक पॉइंट ये भी बताया गया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता एलिजिबिलिटी पूर्णता प्रोविजनल जो है वो होगी तो ये कंप्यूटर बेस्ड होगा यानी ऑनलाइन परीक्षा होगी ऑफलाइन नहीं होगी अब बात करते हैं आगे की अपडेट तो काफी शिक्षक में चल रहे मामले में पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पुरानी सभी सूची रद्द करते हुए नए सिरे से आरक्षण के नियमों के अनुसार सूची बनाने के निर्देश दिए थे इसके तुरंत बाद लगभग चार साल से इस भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्होंने इस आदेश को तुरंत लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था इसी बीच चयनित अभ्यर्थी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चले गए थे जहां पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की एक सुनवाई ऑलरेडी कर चुकी है अगली अपडेट है आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पढ़ाने के लिए तैनात किए जाएंगे एजुकेटर लखनऊ से न्यूज है जिसमें सरकारी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की शिक्षा जो है उसका स्तर सुधरेगा इसी के लिए आउटसोर्सिंग पर शैक्षिक परामर्शदाता एजुकेटर नोटिफिकेशन आपको याद है बताया भी था मैंने आपको इसकी तैनाती की जाएगी एजुकेटर को नियुक्ति करने की योजना को लेकर मुख्यमंत्री जो है उन्होंने महिला और बाल विकास विभाग के मंत्री बेबी रानी मौर्य और अधिकारियों के साथ बैठक वगैरह भी की प्रदेश में एक दशमलव आठ नौ लाख आंगनबाड़ी केंद्र है इन आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन से छह साल के आयु के करीब अस्सी लाख पंजीकृत बच्चे पढ़ते हैं अभी इन बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पढ़ाती है मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है मंत्री बेबी रानी मौर्य ने यह भी कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ये प्रस्ताव बनाया गया है और एजुकेटर की नियुक्ति और संबंधित विभागों के साथ बैठक के बाद योजना का अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा अगली अपडेट शिक्षा सेवा आयोग की वेबसाइट ऑनबोर्ड मांगा गया रिक्तियों का ब्यौरा यह न्यूज आप देखेंगे तो कल भी आपकी प्रकाशित जो है वो हुई थी और आज भी प्रकाशित हुई है आज जो प्रकाशित हुई है वो अमृत विचार न्यूज लखनऊ से प्रकाशित हुई है इसमें वही बताया गया कि भर्तियों में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री के आदेश का दिखने लगा है असर और यहाँ पर वही जो पुरानी भर्ती उन्हीं की लेकर के बाद जो है वो की गई है शिक्षकों की भर्ती के अलावा आयोग सचिव वित्त अधिकारी लेखा अधिकारी आदि विभागों भी लगातार काम कर रहा है अगली अपडेट भर्ती में एक फोटो से भरे गए अठारह फॉर्म एस ने ए से जो है इनकी पहचान की सभी के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं आवेदन में लाइव फोटो की शुरू की व्यवस्था प्रयागराज से न्यूज है 598 ऐसे थे कैंडिडेट जिन्होंने एक ही फोटो से किए हैं कई आवेदन तो ये सारी चीजें देखने को मिली मध्य क्षेत्र में है रिकॉर्ड अभ्यर्थी इसको लेकर के भी पर बताया गया अगली अपडेट आरक्षण का लाभ लिया तो अनारक्षित वर्ग में चयन नहीं न्यूज प्रयागराज से है जिसमें यूपीपीएससी ने आरक्षित वर्ग की चयन प्रक्रिया में बदलाव किया जिसमें यह बताया गया है कि अन्य सभी परीक्षाओं के अंतिम चयन परिणाम में अनारक्षित वर्ग में आरक्षित वर्ग की ओवरलैपिंग नहीं हो सकेगी किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी जो है उनको उसकी अपनी ही श्रेणी में चयनित किया जाएगा अनारक्षित के बराबर या अधिक कट ऑफ अंक आने के बावजूद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में ओवरलैपिंग नहीं कराया जाएगा यह एक बड़ा बयान यूपीपीएससी जो है इसको लेकर के बताया गया है यहां पर जगदीप सचिव है यूपीपीएससी उनके द्वारा ये बताया गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने स्तर से निर्णय नहीं लिया है बल्कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आयोग ने बदलाव जो है वो किया है अब अनारक्षित में आरक्षित वर्ग की नहीं हो सकेगी ओवरलैपिंग अब तो ने छोड़ी सीजीएल भर्ती परीक्षा प्रयागराज से न्यूज जिस है जिसमें यह बताया गया कि टायर वन की परीक्षा गुरुवार को संपन्न हो गई है आयोजन नौ से छब्बीस सितंबर तक उत्तर प्रदेश और बिहार के अठारह जिलों में एट्टी नाइन केंद्रों पर हुआ है इसी में कितने कितने परसेंट जो उपस्थिति वो देखने को मिली सभी अलग अलग जगह को लेकर के यहाँ पर बात की गई जैसे लखनऊ में फिफ्टी टू पॉइंट फोर सिक्स अगली अपडेट आर ओ आर ओ को लेकर आर ओ आर ओ पेपर लीक में बिशप जॉनसन की पूर्व प्रिंसिपल पारुल सोलोमन इनको गिरफ्तार कर लिया गया एस टी एफ ने कार्रवाई की है और कोर्ट में पेश करके देर शाम जो है वो भेजा गया जेल इनको और इसी भर्ती परीक्षा को लेकर के लीक का मामला उठा था तभी से जो है ये सारी चीजें जो है वो की जा रही है अगली अपडेट है शिक्षा मित्रों को जल्द मिलेगा मूल विद्यालय में वापसी का विकल्प लखनऊ से न्यूज है जिसमें विद्यालयों में, में तैनात शिक्षा मित्र जो है उनको जल्द मूल विद्यालयों में वापसी का विकल्प मिलेगा आश्वासन प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर एम के एस सुंदरम ने प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों को जो है वो दिया है साथ ही इसमें भी लिखा है कि प्रमुख सचिव ने शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया है और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ संघ मित्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनमें ये सभी लोग मौजूद थे अगली अपडेट आपकी है इस वीडियो की कि खंड शिक्षा अधिकारी भी बन सकेंगे राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य शासन से प्रस्ताव इसका तैयार हो गया है स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया है सरकार की नई कवायद जो है उसका होने लगा है विरोध उसके लेकर के भी बताया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के निरीक्षक शाखा पर पदोन्नति के लिए बनाई गई नियमावली का विरोध भी शुरू हो गया है अब देखना यह है कि यहाँ पर ये जो नियमावली है फाइनलाइज होती है या नहीं बाकी यहाँ पर बयान भी देखने को मिलेंगे कि बी का जो निरीक्षण है वो शाखा का पद है इस पद की शैक्षिक केवल स्नातक या बी या बी के समकक्ष है जबकि प्रधानाचार्य पद की समकक्ष जो शैक्षिक है वो एम और बी है इसलिए बी ना तो शैक्षिक रखता है और इसका विभाग भी माध्यमिक शिक्षा विभाग से अलग है ऐसा जो है शिक्षक संघ की तरफ से जो है वो देखने को मिला वहीं अध्यक्ष जो है उन्होंने क्या कहा हमारा पद शिक्षा विभाग का है बेसिक और माध्यमिक बताकर दिग्भ्रमित किया जा रहा है साल 2015 की एक गाइडलाइन के अनुसार हम इंटर तक के शिक्षकों की शैक्षिक गुणवत्ता ट्रेनिंग देख सकते हैं रही बात शैक्षणिक योग्यता की तो हम उस मानक पर भी जो है वो खड़े उतरते हैं राजकीय शिक्षकों का विरोध जो है वो गलत है ऐसा इनके द्वारा कहा गया है तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में आपको क्या लगता है क्या सही है गलत कमेंट बताइएगा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए सभी को नमस्कार जय हिंद